हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं बबल पनीर पिज्जा। चलिए इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। थोड़ी मात्रा में लाल पीली शिमला मिर्च, 200 ग्राम पनीर और चीज ऐड किया है। शिमला मिर्च और पनीर को छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। देखिए सभी चीजें कट हो चुकी हैं। अब हम एक प्याज लेकर कर उसको चार फाल में कट करके उसकी सभी लेयर को अलग कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, एक चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, सेजवान चटनी ऐड करेंगे, फिलिंग बनकर के तैयार है। फ्रेंड्स, गेहूं के आटे से मैंने पिज्जा बेस तैयार किया है, उसमें मैंने एक चम्मच सोडा डाल करके डो लगाया है। अप्पे मेकर को पहले से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। पिज्जा मेकर में अच्छे से हम अपने पिज्जा बेस को सेट कर देंगे। अब हम इसमें सारी फिलिंग्स को भर देंगे। देखिए ये ऐसे ही कितना सुंदर दिख रहा है। इसके ऊपर से एक बार फिर टोमेटो सॉस लगा देंगे। के ऊपर हम चीज के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो को स्प्रेड कर देंगे। अब बारी है इसे ढकने की। मैंने एक पिज्जा बेस और तैयार करके रखा था, उससे हम इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। 5 मिनट ऐसे ही कवर करके बेक करेंगे। बेक करते समय गैस को हम हमेशा सिम रखेंगे। एक साइड से बेक हो चुका है, अब हम दूसरी साइड से पलटकर बेक करेंगे। ये फ्रेंड्स, बबल्स कितना सुंदर दिख रहा है। 5 मिनट दूसरी साइड से भी बेक करेंगे। गेहूं के आटे से बना होममेड पिज्जा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। देखिए फ्रेंड्स, पिज्जा बनके तैयार है। मेरे पास पिज्जा कटर नहीं है, इसलिए मैं चाकू से ही इसे कट कर रही हूँ। ये बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। गेहूं के आटे का बना हुआ ये पिज्जा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।